नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आनंद यानी नंद के घर आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जन्माष्टमी की बात करते हैं, यानी जन्माष्टमी कब है, कृष्णा का जन्म कब हुआ है। कृष्णा का जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन अब की बार जन्माष्टमी कब है, कब मनाई जाएगी, 18 को या 19 को। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि जब भी त्यौहार दो दिन मनाए जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम व्रत किस दिन करें, सारी विधि विधान का पालन किस दिन करें हम। भाई कान्हा आ रहे हैं तो कान्हा ये कहते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, अगर मेरे बारे में जानना है या मुझे समझना है तो इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत नटखट है, इतना आसान नहीं है समझना उन्हें, जितना आसान नहीं है अपनी तिथि को समझना कि कान्हा का जन्म उत्सव किस दिन है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में थे, वृष राशि में, रोहिणी नक्षत्र था और मध्य रात्रि थी जब कृष्णा का जन्म हुआ था, जब कान्हा का जन्म हुआ था। क्या इस बार रोहिणी नक्षत्र है, क्या चंद्रमा वृष राशि के हैं, और तिथि कितने से कितने बजे है, मध्य रात्रि अगर हमें वृष राशि और साथ के साथ हमें रोहिणी नक्षत्र मिल जाता है तो उस दिन उत्सव मनाया जाता है। तो किस दिन हम ये उत्सव मनाएं, 18 को मनाएं या 19 को मनाएं, व्रत 18 को रखें या 19 को रखें, पूरा आराम से अच्छे तरीके से आपके सारे कन्फ्यूजन को हम अभी दूर करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बहुत उत्तम तिथि है, कान्हा के जन्म उत्सव की तिथि है, ये बड़ी शुभ तिथि मानी जाती है, आपके हर कष्टों से बाहर निकलने की तिथि मानी जाती है ये। और ऐसे में हुआ था कान्हा का जन्म, मध्य रात्रि 12 बजे मथुरा में जन्मे और नंद के घर में पले, यानी मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में पले कान्हा का जन्म उत्सव आपने इस बार कब मनाना है, इसलिए इन्हें गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। यानी दूसरे दिन जन्म उत्सव के दूसरे दिन पूरी धूमधाम से उनका गोकुल में जन्म उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। तो हमें भी दूसरे दिन भी उत्सव की तरह ही मनाना है, क्योंकि उस दिन कान्हा आ चुके होते हैं। 19 को मनानी है या 18 को, सबसे पहले तिथि को समझ लीजिए। कहते हैं सप्तमी युक्त अष्टमी हो तो अष्टमी तिथि मान्य नहीं मानी जाती जन्म उत्सव की, और नवमी युक्त अष्टमी हो तो उस दिन आपको कान्हा का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। शायद थोड़ी क्लियर हुई होगी आपको बात। 18 अगस्त गुरुवार का यानी थर्सडे का दिन है, रात को 9:22 पर अष्टमी तिथि आरंभ यानी शुरू हो रही है, और इसका समापन होगा 19 अगस्त को शुक्रवार की रात्रि को 11 बजे। अगर हम 18 को मनाते हैं तो ये सप्तमी युक्त अष्टमी है, जो हमने कहा कि नहीं मनाई जाती, क्योंकि इस दिन चंद्रमा वृष के भी नहीं है, रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम 19 को मनाते हैं तो 12 मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 11 बजे तो आपकी तिथि अष्टमी खत्म हो जाएगी, फिर कैसे मनाएंगे। तो क्या 11 और 18 और 19 दोनों को नहीं मना सकते, नहीं नहीं नवमी युक्त अष्टमी इस दिन आप कान्हा का जन्म उत्सव मना सकते हैं, यानी 19 तारीख को आप जन्म अष्टमी मना सकते हैं। आपको व्रत 19 तारीख का रखना चाहिए, आपको पारण 20 तारीख को करना चाहिए, और आपको जो पूरे विधि विधान होते हैं वो आपको 18 की रात से ही शुरू, सूर्य अस्त के बाद से ही शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि लगभग रात्रि के 9 बजने के आसपास ही, रात्रि के 9:22 पर ही वो तिथि आरंभ हो जाएगी 18 तारीख से ही,
जिसे हम अष्टमी तिथि कहते हैं। बट आपके जितने विधि विधान होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, जो हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वो आपको रात्रि को 18 की रात्रि से ही आपने शुरू कर देने चाहिए। अब 12 बजने से पहले ही तिथि समाप्त हो रही है, 11 बजे समाप्त होगी, तो मध्य रात्रि का जन्मोत्सव कैसे करेंगे? हमने कहा ना, नवमी युक्त अष्टमी पर आप मध्य रात्रि पर कान्हा का जन्म उत्सव मना सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। कहते हैं जब नवमी को स्पर्श कर दे अष्टमी, यानी जिस जो अष्टमी नवमी को स्पर्श कर दे, उस अष्टमी का व्रत किया जाता है। जो नवमी को स्पर्श ही ना कर रही हो, सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं व्रत किया जाता, जो कि जन्म अष्टमी का व्रत आपको करना है, वो आपने 19 तारीख की रात्रि की पूजा विधि विधान करने हैं, और व्रत जो आपने रखना है वो 19 तारीख का ही रखना है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया 18 और 19 का आपका कंफ्यूजन कि क्लियर हो गया। पूरे ब्रज मंडल में जो जन्म अष्टमी का उत्सव है, त्योहार है, वो 19 तारीख को मनाया जाएगा, और जो गोकुल में कान्हा के आने की धूम मचेगी वो मनाई जाएगी 20 तारीख को, यानी 19 की मध्य रात्रि में ही ये तिथि शुरू हो जाएगी 11 बजे के आसपास। मध्य रात्रि से पहले ही हो रही है नवमी तिथि जो शुरू हो रही है, और नवमी तिथि पर ही गोकुल में बहुत धूमधाम से कान्हा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मध्य रात्रि की पूजा का विधि विधान है, सावधानियों का ध्यान है, उदया तिथि का ध्यान रखना, और सबसे बड़ी बात है कि इसी रात्रि 19 की रात्रि को ही जो रोहिणी नक्षत्र है वो रात को 1:53 यानी 153 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, यानी उस समय जन्म हो चुका होगा, लेकिन वो अष्टमी युक्त नवमी रात्रि ही है जब आप व्रत रख रहे हैं, यानी अष्टमी ने नवमी को स्पर्श किया हुआ है, तो आप रोहिणी नक्षत्र भी आपको उसी रात्रि का मिल गया। और फिर आती है बात उच्च का चंद्रमा, यानी वृष राशि का चंद्रमा है या नहीं है। 19 तारीख की सुबह 6:06 पर ही चंद्रमा वृष राशि में चले जाएंगे, यानी 19 तारीख को ही आपको उच्च का चंद्रमा भी मिल गया, और आपकी जो अष्टमी है नवमी युक्त अष्टमी है, यानी नवमी को स्पर्श करती हुई अष्टमी है, तो आप रात्रि का जो समय 19 का होगा, उसी रात्रि में मध्य रात्रि में कृष्णा का जन्म उत्सव होगा, यानी जन्म जो आप करवाते हैं, जो पूजा करते हैं, विधि विधान करते हैं, खीरा में आप उनका जन्म करवाते हैं, झूला झूलाते हैं, रात्रि में बहुत पूजा भक्ति मंदिर में सजावट होती है, पूजाएं की जाती है, अर्चनाएं किए जाते हैं, रात्रि जागरण किए जाते हैं, ये सारे के सारे आपने 19 की रात्रि को ही करना है, क्योंकि 19 की रात्रि में ही 1:53 में रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, और वो रात्रि आपकी अष्टमी नवमी को स्पर्श करती हुई रात्रि होगी। तो इसीलिए आपने जो व्रत करना है वो आपने 18 को नहीं करना है, 19 का व्रत करना है। खूब धूमधाम से आपने जन्माष्टमी मनानी है, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है। अगर आपके घर में कान्हा है, बाल गोपाल हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो जो आपने फेस्टिवल उनका मनाना है वो आपने 18 को नहीं 19 को मनाना है। लेकिन स्मार्त की अगर हम बात करते हैं, समार्त हमारे जितने जातक हैं, भाई बहन हैं, वो सारे के सारे 18 को भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन वैष्णव जितने हैं वो सारे के सारे 19 को ही व्रत रखेंगे। 18 को भी रात्रि में ही नवमी तिथि अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, तो 18 को समार्त जितने हमारे जातक हैं वो सारे के सारे समार्त लोग 18 की का व्रत कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव सारे 19 का ही व्रत करेंगे। और हमें और आपको जो व्रत का पालन करना है वो 19 की रात्रि करना है, जहाँ चंद्रमा उच्च का है, जहाँ आपको
रात में ही रोहिणी, दूसरे सूर्य उदय से पहले ही आपको रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, अष्टमी तिथि है, लेकिन नवमी को स्पर्श करती हुई अष्टमी तिथि है और बहुत शुभ समय है जब कान्हा का जन्म हुआ है और आपने पूरे विधि विधान से आपने कान्हा का जन्म उत्सव मनाना है। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है, क्योंकि जिन्हें भी कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 18 को मनाए या 19 को मनाए, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने व्रत रखना होता है, पूरे विधि विधान का ध्यान रखना होता है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है, ताकि आपका ये सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके और बिना कन्फ्यूजन्स के आप बहुत धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकें। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं। आने वाली है जन्माष्टमी, लेकिन धूम कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आपने इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचा करके इसकी धूम ज़रूर मचा देनी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।